हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, उनकी लेट नाइट एनर्जीज क्या हैं। सो लेट्स सी, रीडिंग देखने से पहले आपने अपने और अपने पर्सन का नाम लेना है और आपने अपने और अपने पर्सन का नाम एक साथ लेना है, और जिन भी ईश्वर को आप मानते हो या जो भी आपके इष्ट देव हैं आपने उन्हें याद जरूर करना है। तो लेट्स सी, शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो आपको पॉजिटिवली रीडिंग देखनी है, लेट्स सी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जी बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की लेट नाइट एनर्जी क्या है, उनकी लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग थॉट्स, इमोशंस क्या हैं, प्लीज गाइड कर। ओके, हायरोफेंट द लवर्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ कप्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, the world, the hermit, page of pentacles, bottom of the deck से है knight of pentacles की energy। इन्हें हम clarify करते हैं और clarify करके देखते हैं क्या आता है energy इसमें। तो मैं आपको सबसे पहले साइन बता देती हूँ। यहाँ पर जो साइन है वो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, जेमिनी, टॉरस, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो। ये साइन मुझे स्ट्रांगली दिखाई देते हैं और वर्गो भी, ठीक है। तो ये साइन मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मिथुन राशि, वृषभ राशि, कुंभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कन्या राशि, ओके, और मिथुन राशि। तो ये साइन मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई देते हैं। नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 14, नंबर 23 एंड नंबर 15 और नंबर 24, नंबर 9, नंबर 9 भी इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है, नंबर 18 एंड नंबर 27, नंबर 21, नंबर 3, नंबर 30, नंबर 21, जो आई थिंक मैंने बोल दिया, अगेन मैंने बोला, आई एम सॉरी। सो हाँ, ये नंबर जो है ना मुझे स्ट्रांगली दिखाई देते हैं, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट नंबर्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो अभी हम इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। सबसे पहले हायरोफेंट की एनर्जी को हम देखेंगे।
हायरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो ब्लॉकेजेस हैं। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो हैं आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, उनके मन में है आपसे शादी करने का, लेकिन यहाँ पर मुझे ब्लॉकेजेस दिखाई देते हैं, रुकावटें दिखाई देती हैं, और वो रुकावटें इनकी फैमिली की तरफ से दिखाई देती हैं क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है। तो मैं ये कहूँगी कि आपके जो पर्सन हैं उनको उनकी फैमिली बहुत रिस्ट्रिक्ट करती है, उनको उनकी फैमिली आपकी तरफ नहीं आने देना चाहती है। मे बी उनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती या जो भी उनकी फैमिली के दिमाग में है, बट मुझे दिखाई देता है कि इनकी फैमिली इनको रिस्ट्रिक्ट करती है। ठीक है, वो नहीं चाहती कि ये आपकी तरफ आए, तो फैमिली इश्यूज दिखाई देते हैं। और या ये भी अगर देखो बात यहाँ पर ये है कि अगर फैमिली जानती हैं आप दोनों के रिश्ते के बारे में, इन्होंने शेयर किया है, या फिर आप दोनों का बातचीत चली रही थी और फैमिली ऑलरेडी जानती है, तो ऑफ कोर्स फैमिली इनको रिस्ट्रिक्ट कर रही है। और अगर अभी तक फैमिली के सामने बातें आई ही नहीं है, मतलब फैमिली से सारी बातें की ही नहीं है, फैमिली को पता ही नहीं है, तो फिर फैमिली का डर है। ठीक है, और वही आपके पार्टनर सोच के रुकते हैं आपकी तरफ आने से, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी या फिर एग्री नहीं करेगी, तो ये खुद को रोकते हैं वो चीज़ों को सोच के। ओके, अगर इनकी फैमिली रिस्ट्रिक्ट करती है इनको, अगर इनकी फैमिली इनको रोकती है, तो मैं वो भी यहाँ पर देखने की कोशिश करूँगी कि क्यों इनकी फैमिली ये रिश्ता नहीं चाहती, क्यों वो रिस्ट्रिक्ट कर रही है इनको। यूनिवर्स प्लीज बताएं हमारे व्यूवर्स के पार्टनर्स को उनकी फैमिली रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रही है इस रिलेशनशिप के लिए, क्या प्रॉब्लम है उनकी फैमिली को इस रिश्ते से। यहाँ पर है फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर फोर ऑफ कप्स है। यहाँ पर तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई देता है कि मतलब इनकी फैमिली बिल्कुल ही अगेंस्ट है इन सब चीज़ों के, ऐसा मुझे दिखाई देता है। मतलब टोटली अगेंस्ट है, मतलब इनके शायद उनकी फैमिली का ईगो भी है एक तरीके से। ठीक है, कि उनका ये है कि नहीं हम मेरे अगेंस्ट, मतलब फैमिली को ऐसा लगता है कि कैसे जा सकता है हमारे अगेंस्ट। यू नो फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आई है यहाँ पर। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि इनकी फैमिली को प्रॉब्लम क्या है इस रिश्ते से या आपसे। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनकी फैमिली को ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ इनका रिश्ता जुड़ता है तो इनको पूरे समाज से बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी, इनको सबसे ही बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ेगा। लड़ने के बाद मतलब कलेश बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और हर वक्त लड़ना पड़ेगा, फाइट करती रहनी पड़ेगी, लोगों का सामना करना पड़ेगा, और इनके लिए काफ़ी मुश्किलें हो जाएंगी। तो ऐसा मुझे दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर है काफ़ी ज़्यादा इशू, यहाँ पर है लड़ाई झगड़े, यहाँ पर है प्रेशर, लोगों से लड़ना, समाज से लड़ना, कैसे हो पाएंगी वो सारी चीज़ें, ये मुझे दिखाई देती है। दूसरा मुझे ईगो भी दिखाई देता है कि ऐसे कैसे हमारी बात को नहीं मानेगा ये या नहीं मानेगी, तो एक ईगो भी कि नहीं हमारी बात होनी चाहिए, लाइक यू नो हमारी बात माननी चाहिए, वो वाली चीज़ भी है यहाँ पर। तो इनकी फैमिली को यही प्रॉब्लम है मेनली, इनको लगता है कि अगर ये रिश्ता जुड़ा तो लोगों से बहुत लड़ना पड़ेगा, लोग हावी होंगे हमारे ऊपर, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये चीज़ें भी दिखाई देती हैं। क्योंकि यहाँ पर है फाइव ऑफ वॉन्ड्स जो कि ये बताता है कि शायद इनकी फैमिली बहुत नेगेटिव भी है इस रिश्ते को लेकर के, इनकी फैमिली को ऐसा भी लगता है कि रिश्ता नहीं चल पाएगा बहुत लंबा, ये भी दिखाई देता है यहाँ पर।
मतलब इनको कलेश दिखाई देता है, इनको प्रॉब्लम्स दिखाई देती है, इसलिए इनकी फैमिली रिस्ट्रिक्ट करती है इनको, इसलिए ये जो है इनको आपकी तरफ नहीं आने देना चाहती है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट, देखते हैं द लवर्स एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द लवर्स को क्लैरिफाई कर रहे द लवर्स की एनर्जी एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। सो लवर्स को लवर्स का कार्ड वो कर रहा है क्लैरिफाई। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो ये कि आप दोनों का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकते हैं, आप दोनों ट्वीन हो सकते हो, ट्वीन फ्लेम जर्नी में आप दोनों हो सकते हो। करंटली ये दिखाई देता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा क्रेविंग कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। वो ये भी हो सकता है कि आपका इनके साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप रहा हो। अगर आपका इनके साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप रहा है, अगर ऐसे कुछ मेमोरीज मोमेंट्स रहे हैं, तो वो भी इनको बहुत याद आते हैं। एंड आई फील आपके पर्सन रोमांटिकली बहुत कुछ फील कर पा रहे हैं आपके लिए, या फिर मैं कहूँ कि इनका अभी बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूड है आपको लेकर के, इंटमेसी ये चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़बरदस्ती ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज ये पर्सन आपको लेकर के बहुत पैशनेट है, और इनको आपके लिए बहुत अलग वाली फीलिंग है, बहुत स्ट्रांग वाली फीलिंग्स है। दो दो बार लवर्स का कार्ड आया, क्योंकि लवर्स के कार्ड को लवर्स के कार्ड ने ही क्लियर किया। दिखाई देते हैं ये आपका प्यार चाहते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, और करंटली भी क्रेविंग्स दिखाई देती हैं। करंटली भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके प्यार के लिए तड़प रहे हैं, आपके पर्सन आपके करीब आने के लिए तड़प रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। बिकॉज़ एक 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 है, एक अलग सी अट्रैक्शन है, ओके। और ये सारी चीज़ों को यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके सामने फैमिली का एक बहुत बड़ा इशू खड़ा है। तो जिसके चलते ये अपनी फीलिंग्स को क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं, मतलब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। बट आई फील कि पर्सन आपके लिए बहुत बेचैन है, ठीक है। किंग ऑफ सोट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द चैरियट एंड यहाँ पर है द हैंग्ड मैन। मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन के मन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। बहुत कोल्ड सा बिहेव है, हो रखा है उनका, और मन में जैसे बहुत कुछ है। यहाँ पर जो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं आपके पर्सन, और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उसी को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, ठीक है। उसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उदास भी हैं, खुश नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये जो चीज़ है, ये जो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप दोनों के, क्योंकि यहाँ पर ये बताता है कि डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, ये कास्ट का, रिलीजन का, एज का, अदर डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे कोई एक मैरिड है और कोई एक अनमैरिड, तो डिफरेंसेस हैं। और ये डिफरेंसेस के कारण कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में इश्यूज़ भी बहुत हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या कोई कोई आइडिया मिल सकता है कि हम इससे, इस चैलेंज, ये जो चैलेंजेस हैं, इनको पार कर जाए। लेकिन सोच सोच करके ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, स्टक हो गए हैं, और काफ़ी फ्रस्ट्रेशन इसकी वजह से इनको हो रही है। बड़े फील कि ये कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहते हैं, कि ये जो इशू है इसको ये सॉल्व कर पाए। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स।
यहाँ पर है जजमेंट, एक डेस्परेट एनर्जी मुझे दिखाई देती है आपके पर्सन की। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ, पहली चीज़ तो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं एंड कुछ भी ट्राई कर रहे हैं हर चीज़ फेल होते हुए दिखाई दे रही है। तो एक डेस्परेट एनर्जी है यहाँ पर, एक ऐसी एनर्जी दिखाई देती है जहाँ ये बहुत निराश हो रहे हैं चीज़ों से, जहाँ इनको लगता है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है चाहे कितनी ही कोशिश कर लो। और बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन जो हैं कंफ्यूज भी हो गए और बहुत डेस्परेट सी एनर्जी भी है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि आई फील कि ये अपने आप को पॉजिटिव करते हैं, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आते हैं कि नहीं अगर एफर्ट लेंगे तो शायद चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन जब एफर्ट लेते हैं तो वो उल्टा ही वर्क कर जाता है या फिर वो काम ही नहीं आते, वो एफर्ट्स का आउटकम अच्छा नहीं आता, तो फिर इनको एक निराशा हाथ लगती है। तो वही मुझे यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है कि इनकी एनर्जी में ना लाइक एक तो यहाँ पर ये है कि हाँ ये मुझे दिखाई देते कि पर्सन आपको चाहते तो बहुत हैं, ये चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे आप उन्हें मिल जाओ, लेकिन इनको कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा और अगर कुछ ट्राई करते तो उसमें भी फेल होते जा रहे हैं। तो एक आ रही है, एक निराशा आ रही है इनको, एक ऐसा लग रहा है कि उन्हों कुछ नहीं हो पा रहा है एंड ऑल। तो ये चीज़ें किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके पर्सन आपको अपने लिए लकी मानते हैं। ओके, आपके पर्सन आपको अपने लिए लकी मानते हैं, क्यों? क्योंकि जब से आप उनकी लाइफ में आए हो तब से उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो किया है और वो यही चीज़ सोचते हैं और एनालाइज करते हैं कि आप उनकी लाइफ में जब से आए हो ना तब से उनकी लाइफ में भी बहुत बड़े चेंजेस आए हैं, उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है आप अपनी ज़िंदगी में। उनको ऐसा लगता है कि जो भी आज मेरे पास जो कुछ भी है वो कहीं ना कहीं उसी की वजह से, उनको ऐसा लगता है। तो वो आपको लकी मानते हैं अपने लिए, क्योंकि यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है और ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यही बताती है कि आप उनके लिए लक्की हो और वो भी अब इस चीज़ को मानते हैं क्योंकि बहुत कुछ उनको मिला है आपके आने के बाद, बहुत बड़े बदलाव उनकी ज़िंदगी में आए हैं। और मुझे ये भी दिखाई देता है कि आई फील आपने उनको सपोर्ट बहुत किया है, आपने उनको बहुत साथ दिया है, हो सकता है कि आपका सहारा लेकर के ही उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, अपनी लाइफ में बहुत आगे तक गए हैं, अपने आप को फाइनेंशली स्टेबल किया है, आपके सहारे से ही आपने उनको सपोर्ट किया, आपने वो सहारा दिया उनको, हो सकता है आपने उनको फाइनेंशली हेल्प की है जिसके चलते जो है वो इतने अच्छा अपनी लाइफ में कर पाए हैं। तो यस, वो लक्की मानते हैं आपको अपने लिए। द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल एनर्जी। द वर्ल्ड, आपके जो पर्सन है ना मुझे बहुत ज़्यादा डाउट्स में नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना वो अभी अपनी लाइफ से किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। उनका ये है कि मुझे इस दुनिया में जो भी बेहतरीन चीज़ें हैं ना वो मुझे चाहिए, ठीक है, और उनमें में से एक आप इनको बेहतरीन लगती हो। कि जैसे मान लीजिए कि मुझे करियर में कोई चीज़ चाहिए तो इस दुनिया में जो बेहतरीन है वो चाहिए, एक बता रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो पार्टनर चाहिए तो वो भी बेहतरीन चाहिए, तो वैसे ही आपके जो पर्सन है ना उनकी भी एनर्जी यही है कि मुझे बेहतर से बेहतर चीज़ें चाहिए और उन्हें आप बेहतर लगते हो। तो कोई भी वो बेवकूफ़ी नहीं करना चाहते, पहली चीज़ तो ये उनका ऐसा है कि अगर उन्होंने आपको खो दिया तो उनकी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी ये, बिकॉज़ उनको ना ऐसा दिखाई देता है कि आपसे बेहतर उनके लिए कोई हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि आप उनके लिए लक्की साबित हुए हो और आपकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत अच्छे बदलाव आए हैं।
आपकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। द हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई। यहाँ पर है नाइन ऑफ कप्स एंड यहाँ पर एम्प्रेस। इसमें इसी एनर्जी को मिस कर रही थी क्योंकि यही एनर्जी आ रही है यहाँ पर, जिस तरीके से इनकी एनर्जी मैं देख रही हूँ ना आपके लिए, तो वो यही बताती है। एम्प्रेस ही एक ऐसी है जिसको इंसान कोई भी इंसान खोना नहीं चाहता, सिर्फ एम्प्रेस एनर्जी ऐसी है। नाइन ऑफ कप्स है हर्मिट एनर्जी के साथ। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है थोड़े से परेशान है। क्यों है परेशान? क्योंकि ये नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि विश फुलफिलमेंट को बताती है, वही हर्मिट की एनर्जी है जहाँ पर आपके पर्सन थोड़े निराश है, लेकिन वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी विशेस कैसे पूरी होंगी। उनके विशेस हैं जिसमें से एक विश आप हो, और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद इनके पास सब कुछ है इनकी ज़िंदगी में, लेकिन सिर्फ आप नहीं मिल पा रहे हो। तो इस चीज़ का इनको ऐसा लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो ये चीज़ का ज़िंदगी में गम रह जाएगा कि सब कुछ मिला ज़िंदगी में लेकिन वो पर्सन नहीं मिला जिससे प्यार था। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, वो ये चीज़ की क्लियरिटी चाहते हैं कि मेरी जो विश है वो कैसे पूरी होगी, क्योंकि आप इनके विश हो कहीं ना कहीं। ओके, एंड ये चाहते हैं कि इनकी विश पूरी हो और वही रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो कुछ जानने की, कुछ सोचने की, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, अंधेरे में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और वो यही है कि इनकी विश, क्योंकि नाइन ऑफ कप्स विश का कार्ड है, तो विश जो है इनकी वो है आप एम्प्रेस एनर्जी में, तो ये विश कैसे पूरी होगी यही चीज़ जानने की वो कोशिश कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये तो एक पेज ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ पेन, पहले नाइन ऑफ पेंटिकल, देन पेज ऑफ पेंटिकल, देन किंग ऑफ पेंटिकल, ये तो एक जर्नी है एक्चुअली। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना आपके साथ एक जर्नी जीना चाहते हैं, जहाँ वो आपका साथ पाकर के अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, आपका साथ पाकर के ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं। मे बी उनको ऐसा लगता है कि अगर आपका साथ मिला तो वो बहुत कुछ हासिल करेंगे अपनी ज़िंदगी में, बहुत लग्जरी को हासिल करेंगे अपनी ज़िंदगी में, ऐसा उनको लगता है। क्योंकि वो एक जर्नी है नाइन ऑफ पेंटिकल, फिर वो थोड़ा और अपने आप को इम्प्रूव करता है, पेज ऑफ पेंटिकल में जाता है, फिर और इम्प्रूव करता है, तो लास्ट है ही किंग ऑफ पेंटिकल। यहाँ आके वो एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, वो फाइनली फाइनली वो स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपके साथ एक जर्नी जीना चाहते हैं, वो आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, वह उनको ऐसा लगता है आपका साथ मिला तो बहुत कुछ हासिल कर लेंगे ज़िंदगी में और एक लग्जूरियस लाइफ चाहते हैं, लेकिन उसमें ये आपको भी चाहते हैं। ओके, तो ये है इनका। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पर है, अगर आप देखो तो नाइन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, नाइन नाइट ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, और अभी देखो जहाँ रुका है बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ पेंटिकल। अब खुद सोचो, मैंने शफल करके जैसे ऐसे ही रखा था, देखा तो क्वीन ऑफ पेंटिकल है। ये तो एक जर्नी को बता रहा है कि आपके पर्सन आपका साथ पा करके किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल का साथ पा करके पेज नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से पेज में जाएगा, पेज से नाइट की एनर्जी में जाएगा, एंड कहीं ना कहीं लाइक यू नो वो एक पोजिशन पे पहुंचेगा जहाँ उसके पास सब कुछ होगा। तो वो एक जर्नी है जो कि आपके साथ जीना चाहते हैं, जो कि सिंपली दिखाई देता है, ये अपनी लाइफ के अच्छे खुशी भरे पलों में आपको अपने साथ देखना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स,
यहाँ पर है एट ऑफ वॉन्स, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। वो एनर्जी में शिफ्ट चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एनर्जी बदलें, क्योंकि देखो वो आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, वो आपको मे बी कमिटमेंट वगैरह या कुछ ऐसा देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एनर्जी का शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी शिफ्ट होगी तो वो ये कर पाएंगे। तो एट ऑफ वंस एनर्जी शिफ्ट को भी बताता है, कम्युनिकेशन को भी बताता है। तो आपके पर्सन जो है आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, और उनका ये कि उनकी उलझन ख़त्म हो जाए, तो फिर वो आपको ना खुल के वो आपसे बात करना चाहते हैं। बेसिकली मुझे ये नज़र आता है कि आपके पर्सन आपसे खुल के बात करना चाहते हैं। ओके, गाइस कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई देते हैं कि शायद ये आगे आने वाले 8 दिन में आपसे बात करने की कोशिश करें, ठीक है। बट कुछ के लिए मुझे 2 महीने का टाइम दिखाई देता है। अब ये आप देखो कि आपके लिए क्या है, 8 दिन के अंदर का भी टाइम दिखाई देता है मुझे कुछ लोगों के लिए तो, बट कुछ के लिए हाँ 2 महीने का है, और लगेगा अभी आपको कि थोड़ा लेट है। बट एक चीज़ बताऊँ, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं बोल दूँ कल ही आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। जब जिसका टाइम है तभी आएगा, मेरे कहने से किसी और के कहने से नहीं होगा। उससे जल्दी हो जाए तो और भी अच्छा, और उसके लिए मैं प्रे करूँगी कि जल्दी से जल्दी हो चीज़ें ठीक आप दोनों के बीच में। बट आई फील कि जिस तरीके की एनर्जी बनी हुई है, जिस तरीके की उलझनें बनी हुई हैं, वहाँ मुझे कुछ लोगों का दिखाई देता है कि शायद 2 महीने भी लग सकते हैं आपके पर्सन को आपसे बात करने में। और एक और चीज़ साथ के साथ कहूँगी कि कभी भी किसी का वेट मत करो अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ को इन्जॉय करते रहो, वेट मत करो, किसी की वजह से स्टक मत रहो। अगर आपको कुछ अच्छा दिख रहा है अपनी लाइफ में तो आप उसकी तरफ बढ़ो, लेकिन वेट नहीं करना आपने किसी का भी। इस बात का ध्यान रखो हमेशा से, ठीक है। स्टक नहीं होना, क्योंकि जहाँ हम रुक गए वहीं लोग हमसे बहुत आगे चले जाएंगे, तो ये काम मत करो। और दूसरी बात ये, अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहो, अच्छे काम करो, कभी भी गलत मत करो कि शर्मिंदा होना पड़े। अच्छे काम करो और आगे बढ़ते रहो। ये पर्सन आपकी किस्मत में होगा तो ये पर्सन आपको किसी ना किसी मोड़ पर मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी साइड से तो दिक्कत है नहीं कि आप इतना टेंशन ले रहे हो, उधर से है ना, तो उनको सॉल्व करने दो अपनी प्रॉब्लम। और या आपकी किस्मत में होंगे तो ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आपको स्टक नहीं होना। आप बेशक रीडिंग देख रहे हो, वेट करना चाहते हो करो, लेकिन फिर भी स्टक नहीं होना आपने, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, ओके। आप अपने टाइम का अच्छे से यूज़ करें, अपना जो काम है आप उसको प्रॉपरली करें, ये आपकी किस्मत में होंगे, खुद चल के आएंगे, ओके। सो यार थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।